बरेली से है। बरेली इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर राजा खान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मौजूदा हालात में देश अपने नाजुक दौर से गुजर रहा है। जगह जगह कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं। ज्ञान वापी के सिलसिले में हिंदू भाइयों में कहना चाहूँगा कि आपके धर्म का किसी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आता। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बार और बंटवारा करवाया जाए। हर हौज में ऐसा शिवलिंग पाया जाता है। इस तरह हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। हुकूमत बेईमानी करना चाहती है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला झूठा हुआ था। हमारी मजबूरी को कमजोरी ना समझे। जाइए जामा मस्जिद के हौज का फोटो लीजिए। नौमहला मस्जिद में भी पत्थर मौजूद है। हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, इसलिए हिंदू मुस्लिमों को उलझाया जा रहा है। लोग खामोश रहकर इस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं, जो काम घृतराज कर रहा है। RSS की बड़ी गहरी साजिशें होती हैं। नौ सिखिए वकील को बाबरी मस्जिद का वो फैसला दे दो, अगर वो ये ना कह दे कि ये फैसला गलत है। और इतना अंधा कानून, इतने अंधे शासन और प्रशासन, जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। फाउंटेन उसकी बात नहीं कर रहा, राम मंदिर जो इस समय बनना है सब पूरे मुल्क के देखा। बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, बनाओ। आपने सब्र किया, बनाओ। उस राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने देश में तरक्की हो गई, कितनी खुशहाली आ गई, ये तो हिंदू समाज को देखना है। मंदिर बनाओ, अपनी आस्था को तकियत पहुंचाओ, लेकिन देश का काम कुछ कर लो। अंधे और बहरे जब तक बने रहोगे, जब तक गूंगे बने रहोगे, मैं कहता हूँ इतने बुरा हाल है। नरेंद्र मोदी आज तक जबान क्यों नहीं खोली इन तमाम मामलात पे? इसका मतलब ये, मैं बार बार कहता हूँ कि धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें बाहर आना चाहिए। धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी है, जो देश का राजा है। उस वक्त जो देश का राजा था उसने बेईमानी की थी, जिससे महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है, देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के नेता है। मैं सिर्फ दो ऐसे एक हिंदू, वो जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नहीं था, जिसने खतना नहीं कराई थी। एक हिंदू वो जो खतना करा के मुसलमान बन के आया था गांधी जी की हत्या करने। ऐसे दो हिंदू और मुसलमान हमारे देश के लिए बेहद घातक है। गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर फिर से, अगर ज्ञान वापी मामले में भी ऐसा किया गया जैसा बाबरी में किया गया, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, गंभीर परिणाम से मेरी मुराद ये है कि पूरी दुनिया में खराब मैसेज जा रहा है। तुम्हारी आस्थाओं का मजाक उड़ रहा है, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हिंदुत्व के ऊपर किस किस्म का मजहब है ये, जो फाउंटेन और शिवलिंग पे फर्क नहीं कर सकते, ये कैसा मजाक हो रहा है? भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा, और उनकी बात सुन के कोर्ट ने बरेली से फजलुर रहमान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।